मामला देहरादून का है, जहां आजादी के वक्त के गांधी स्कूल जो कि सरकार के अधीन है उसे ट्रस्टी धीरे धीरे करके व्यवसायियों को बेच रहे हैं। देहरादून के घंटाघर के पास डिस्पेंसरी रोड पर स्थित गांधी स्कूल की कक्षाओं को स्कूल के ट्रस्टी दुकानों में तब्दील कर रहे हैं। इससे पहले भी स्कूल की जमीन पर कुछ दुकानें थी, जिसके तहत लोगों ने एक दुकान की आड़ में स्कूल के कई कमरों में अपने गोदाम बना डाले हैं। हद तो तब हो गई जब स्कूल की कक्षा को तोड़कर दुकान बनाने की योजना बनाई जाने लगी। गौरतलब है कि स्कूल सरकार के अधीन है, यानी कि भूमि नजूल की है, जिसे कोई ट्रस्ट बेच नहीं सकता है, तो फिर किराए पर कक्षाओं के कमरों को कैसे दिया जा सकता है। गांधी स्कूल के पूर्व छात्र रहे विजय ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ट्रस्ट अपनी मर्जी से स्कूल की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहा है। इससे पहले भी स्कूल की कक्षाओं को किराए पर दुकानदारों को दिया गया है। अब प्राइवेट पुस्तकालय बनाए जाने के लिए स्कूल के बच्चों का कमरा दिया जा रहा है। विजय ने कहा कि नजूल की भूमि जो कि सरकार की संपत्ति होती है उसे कैसे बेचा जा सकता है। इसी के साथ विजय ने ट्रस्ट पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए जांच की भी मांग की है। ये गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज जो बिल्कुल प्राइम लोकेशन में है, जो आज की डेट में अगर उसका पूरी जमीनों का आंकड़ा लगाओ तो कई 100 करोड़ों का बैठता है। ट्रस्ट द्वारा जो है इन क्लासों को, जो बच्चों की क्लासें पढ़ने की, उसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिसकी मैंने आवाज़ उठाई। इसकी जो लागत है 1 करोड़ रुपए की है, जो कि इसको क्लासरूम बेचे जा रहे हैं, जबकि ये नजूल की प्रॉपर्टी है। और मेरे को लगता है कि ये सरकार के अधिग्रहण में है, तो कैसे एक स्कूल जो है अलग अलग कक्षाएं करके चुपचाप से गुपचुप करके दे रहा है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ संध्या सेमवाल की रिपोर्ट।